हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा अलग होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे चैनल पे इस टाइम 15 अगस्त यानी काइट फ्लाइंग होती है, उससे रिलेटेड काफ़ी वीडियोज आएंगी, तो आज मैं आपको वैसी ही वीडियो दिखाने वाला हूँ। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है। मुझे नहीं पता, शायद ही किसी यूट्यूबर ने या शायद ही किसी ने आपको इस वीडियो में बताया हो, इस तरीके ये चीज़ आपको किसी ने बताई हो कि आपको अपनी काइट जो है, अपनी पतंगें जो है, किस तरीके से खरीदनी है, किस तरह से परचेस करनी है। तो मैं आपको आज वो बताने किस तरीके से आप लोग अच्छी काइट जो है परचेस कर सकते हैं, बेस्ट डील जो है कैसे क्रैक कर सकते हैं, और आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि काइट जो है वो वर्दी है, यानी जितने पैसे आप उस पतंग के लिए पे कर रहे हो वो आपके वसूल होंगे या नहीं होंगे, या पतंग उड़ाने में अच्छी कैसे रहेगी। तो अभी आप लोग जैसे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कुछ पतंगें ला के रख रखी हैं अपनी, तो मैं आपको इन्हीं पतंगों में से दिखाऊंगा किस टाइप की काइट्स आप लोग ले सकते हो, नहीं ले सकते, और आपको बताऊंगा बेस्ट डील कैसे क्रैक करनी है और इसमें कैसी काइट्स वर्दी हैं। काफ़ी देख सकते हो काइट्स हैं, तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं आपको हम यहाँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। सो एज़ यू नो, काइट फ्लाइंग जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्पोर्ट है, उसमें मैन पावर के साथ ब्रेन पावर ही बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो काइट फ्लाइंग से रिलेटेड हम लोग आप कुछ बात करने वाले हैं, तो आपको मेन आपको पता होना चाहिए पतंगे किस किस टाइप की आती हैं, किस टाइप की पतंगे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास कुछ पतंगे मैंने यहाँ पर रख रखी है, मैं आपको वो दिखाता हूँ, आपको पतंगों का साइज़ बताऊँगा, उनका प्राइस बताऊँगा किस प्राइस में होता है, किस किस क्वालिटी में वो लोग वो चीज़ आपको मिल सकती है। तो मेन जो है वो तीन साइज़ में आपको काइट्स आती हैं, तीन साइज़ आते हैं पतंगों के जो मेनली मार्केट में बिकते हैं और उड़ाने के इस्तेमाल में आते हैं, जिसमें फर्स्ट साइज़ होता है मंजोली, जो आपको इस साइज़ का कुछ मिल जाती है पतंग। उसके बाद अगर आप लोग देखो तो आपको अद्धी साइज़ की पतंग मिल जाती है, उसमें ये साइज़ अद्धी साइज़ का होता है, और इसके बाद एक और साइज़ आता है पोनी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस टाइप की जो पतंग होती है ये पोनी साइज़ होता है, ये तीनों में साइज़ में अच्छा खासा डिफरेंस होता है। क्वालिटी वाइज अगर उड़ाने के हिसाब से देखा जाए तो पोनी बेस्ट होती है, लेकिन 15 अगस्त के लिए नहीं। तो अब मैं आपको बताता हूँ आप लोग किस तरह से परचेज़ कर सकते हैं। तो मंजोली में जो है बेसिक स्टार्टिंग प्राइस जो होते हैं, मंजोली का होलसेल प्राइस होता है, वो 3 रुपये से स्टार्ट होता है, रिटेल में मैक्सिमम 4 और 5 रुपये की बिकती है। 4 वाली क्वालिटी अलग होती है, 5 वाली क्वालिटी अलग होती है, डिपेंड करता है उसके मटेरियल पे और उसके मेकर पे, किस बंदे ने वो पतंग बनाई है, क्या मटेरियल उसमें यूज़ हुआ है और कितनी अच्छी उसकी फिनिशिंग है। अद्धी में भी आप लोग देख सकते हो मिनिमम 450 रुपये से उसका स्टार्टिंग प्राइस होता है, 450 रुपये की 100 पतंग यानी 450 रुपये की एक पतंग, उसमें फिर उसके बाद जो है प्राइस इंक्रीज़ होता है मेकर के हिसाब से। जो मुरादाबाद की अद्धी होती है वो 450 रुपये की पड़ती है, उसके बाद बरेली की आती है 5 रुपये की, उसके बाद लखनऊ और रामपुर की अद्धी आती है। तो जो अद्धी जो है मैं प्रीफर करता हूँ वो रहेगी आपकी ये बरेली की अद्धी। अब मैं आपको बताता हूँ अच्छे काइट मेकर की क्या पहचान होती है। सबसे पहला तो उसका पेपर होता है, जिस काइट का उसने मटेरियल यूज़ करा है, पेपर आप देख सकते हो, मैं फिर बताऊँगा, हल्का सा करके मारो आपको आवाज़ अलग ही आ जाएगी, हर पतंग की आवाज़ अलग होती है, अब ये देख सकते हो। और दूसरी चीज़ होती है उसकी स्टैंप, अगर आप लोग देख सको यहाँ पे इसकी स्टैंप लगी हुई है, अच्छे काइट मेकर जो है वो स्टैंप लगाते हैं। उसके बाद आती है पोनी, अब पोनी में भी कई प्रकार की पोनियाँ मिल जाती हैं, कई तरह की पोनियाँ मिल जाती हैं, जिसमें हल्की क्वालिटी से लेके हैवी क्वालिटी का आती है। पोनी जो मैं प्रीफर करता हूँ वो होती है लखनऊ की या रामपुर की, आप लोग पोनी यूज़ कर सकते हैं। तो ये पोनी पतंग है, ये जो मैं प्रीफर करता हूँ ये लखनऊ की है। ये नॉर्मली ये पतंग कम से कम 14 या 15 रुपये की एक होती है। ये मेरे पास काफ़ी टाइम से रखी हुई है, काफ़ी पुरानी पतंग है, तो जितनी पतंग पुरानी होगी उतनी अच्छी वो उड़ने में यूज़ होती है। अब याद रखना, अगर आप लोग प्रोफेशनल लेवल पर काइट फ्लाइंग करते हो या डेली बेसिस पर करते हो तो आपको पता होगा पुरानी पतंगें अच्छी होती हैं। जो लोग नए हैं, पतंग उड़ाते हैं या खाली सीज़न के हिसाब से उड़ाते हैं, तो उनके लिए ये पतंगें जो है वो जब जैसे जाए उड़ा लें उड़ेगी अच्छी, लेकिन पुरानी पतंग उड़ाने में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आता है। उसके अलावा पोनी में कई तरह की डिज़ाइनर काइट्स आती हैं, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो इस तरह की जो है कुछ डिज़ाइनर काइट्स आती हैं। अब ये है, लोग कहते हैं ये ख़रीदना वर्दी है या नहीं है, उड़ती है बेकार उड़ती है, अच्छी उड़ती है नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ। एक तो देखो इनमें जो है पैसे आपको उतने ही देने पड़ते हैं जितने नॉर्मल पोनी के होते हैं, ये भी पोनी साइज़ में, एक तो आप खुद देख सकते हो, खुद अगर आप लोग टच करोगे, आप यूँ करके टच करोगे तो आपको पता लग जाएगा इसमें जो है मटेरियल थोड़ा हल्का यूज़ होता है, थोड़ा सा पतला पेपर होता है, लेकिन उससे कोई बात नहीं है, उड़ाने में ये सही रहती है, लेकिन थोड़ी इधर उधर भागती है, वो मज़ा नहीं आएगा उड़ाने में, लेकिन वर्दी है, आप लोग ख़रीद सकते हो। इसकी प्राइस की बात कर जाए तो नॉर्मली होलसेल में 6 रुपये या 7 रुपये की मिल जाती है। उसके अलावा कई तरह की और पतंगें आती हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो मार्केट में कुछ इस टाइप की भी पोनी आप लोगों को मिल जाती है, अलग अलग डिज़ाइन में मैं बताता हूँ, अलग अलग पतंगें आती हैं, मज़ा मज़ा की आती है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि अलग अलग होते हैं, तो ये रामपुर की पोनी है, इसमें अगर आप देख सकते हो सील, तो ये रामपुर की बनी हुई पतंग है।
अब देखो क्या होता है। अब अच्छे काइट मेकर जो होते हैं, मैं आपको सिर्फ एक डिफरेंस बताता हूँ मेन, अच्छे काइट मेकर जो होते हैं उनका बनाने की जो ये ठड्डा है इसकी फिनिशिंग अलग होती है। जैसे कि आप ये देख सकते हो इसके ठड्डे में, अगर आप देखो तो यहाँ पे बीच में अलग अलग निशान है ब्लैक कलर के, तो ये डिज़ाइन के लिए दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप देखो तो ठड्डे में कितनी फिनिशिंग है इसका, कितना चौड़ा ठड्डा है इसका, पतला है ठड्डा। तो ये जो है फोल्ड करते हुए अक्सर करके ऐसा होता है, लोग फोल्ड कर रहे होते हैं लोगों से टूट जाते हैं, ऐसे टाइप का ठड्डा नहीं टूटता क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। रही बात अब मैं वापस आपको बताऊँ प्राइसिस की, तो आप लोग लाल कुएं पर आके प्राइस अच्छे क्रैक कर सकते हो। और मैं फिर आपको एक चीज़ की रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग चाइना का मांजा बिल्कुल भी यूज़ ना करें क्योंकि यार वो अच्छा नहीं होता। अभी मैंने आपको एक पतंग दिखाई थी, तो ये पतंग आई थी मेरे पास कट के, तो ये चाइना के मांजे से आई है। तुम लोग देख सकते हो ये चाइना का थ्रेड है। अब मैं फिर बोलूँगा, अगर तुमने मेरी लास्ट ईयर की वीडियो नहीं देखी चाइना मांजा वर्सेस मैदानी मांजा, तो तुम लोग उस वीडियो को देख सकते हो, तुम्हें लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा कितना हार्मफुल है, कितना बुरी चीज़ है ये। तो आप लोग इसको बिल्कुल यूज़ ना करें। और मैं आपको बताता हूँ आप किस टाइप का मांजा यूज़ कर सकते हो, किस टाइप का मांजा आपके लिए वर्दी है। तो यार आप लोगों को एक बात और बताता हूँ, आप लोगों ने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जो है चीज़, उसका नाम तो सुना होगा कि वेस्ट चीज़ में से आप लोग बेस्ट चीज़ कैसे निकाल सकते हो, तो उसके बारे में आपको थोड़ी सी मैं और नॉलेज देना चाहता हूँ। अगर आप लोग लाल कुआं आते हो पतंग खरीदने 15 अगस्त के टाइम, मतलब 15 अगस्त के लिए लेना है लेकिन आपको उससे पहले उड़ाने के लिए ही पतंग चाहिए, तो आपको मैं एक बहुत ज़्यादा प्रोएस्ट ऑफ प्रोस की टिप बताने वाला हूँ जो हम लोग पर्सनली मैं खुद यूज़ करता हूँ। तो आप अगर किसी शॉप पे जाते हो परमानेंट शॉप पे, पहले आप देख लेना अगर परमानेंट शॉप है तो आप ही उससे ये चीज़ आप मांग सकते हो। आप उसके पास जाना हो कहना मेरे को फटी हुई पतंग चाहिए, आप ये मत कहना मेरे को आप ये वाली 5 वाली पतंग दो 6 वाली पतंग दो, ऐसे नहीं, उससे बोलना फटी हुई पतंग चाहिए। आप साइज़ बता देना, कह देना मेरे को अधी चाहिए या पोनी चाहिए। अब अगर आप लोग ये देख सकते हो, मैंने आपको दिखाई है अभी ये पतंग, ये है पोनी पतंग मेरी, ये लखनऊ की पतंग है। अब मैंने आपको बताया था इसका प्राइस होता है 17-18 रुपये, इससे कम की होती नहीं, कहीं 14-15 की भी मिल जाती है लेकिन इससे कम तो आ ही नहीं सकती, 14-15, 17-18, 20 रुपये तक की जाती है। अब अगर आप देख सकते हो तो ये कुछ इस टाइप की आती है फटी हुई पतंग। अब मैं आपको बताता हूँ इससे हमें बेनिफिट क्या होता है। अब ये मान लो सपोज़ ये पतंग 15 रुपये की है, 15 रुपये की न्यू है, अगर आप लोग फिनिशिंग से काम कर सकते हो तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आप इसको चिपकाओगे तो आप जब उड़ेगी तो कोई कह भी नहीं सकता है फटी हुई पतंग है। यार लोग उड़ाते हुए इतनी पतंग फाड़ देते हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है, ज़रा ज़रा सी फटी हुई आती है, देखो थोड़ी सी फटी हुई, एक टेप आपका यहाँ लगेगा और ये तो डबल साइड है, बहुत सारी होती हैं अक्सर करके, तो ऐसा होता है फटी हुई भी नहीं निकलती, एक टेप आपका यहाँ लगेगा। तो मैं आपको बताता हूँ आपको इसमें बेनिफिट क्या है। अब ये 15 रुपये की है सपोज़, और ये आपको मिल जाएगी मार्केट में 6 रुपये की। अब देखो कितना फ़र्क आ गया, 15 रुपये की चीज़ आपको 6 रुपये में मिल रही है, आपका अठन्नी का भी टेप नहीं लग रहा है, इसमें ज़रा सी मेहनत लगेगी। बहुत सारे लोग तो होते हैं जिनको शौक होते हैं पतंग उड़ाने से पहले अच्छी टेपिंग करते हैं, तो इसमें ज़रा सी टेपिंग करके अगर आप लोग उड़ा लोगे तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा, उड़ाने में भी आपको A1 क्वालिटी चीज़ मिलेगी, बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी। बस आपको ध्यान ये रखना है ख़रीदते हुए कि आप किसी के पास जाओ तो देख लो कोई प्रॉपर डीलर है, उन्हीं के पास ऐसी चीज़ें रखी हुई मिल जाती हैं। और एक बार प्राइस में थोड़ा सा बार्गेन कर लेना, वो ज़्यादा की बताएंगे, अगर आप लोग मांगोगे फटी हुई पोनी प्रोबेबली वो 8 रुपये या 9 रुपये की बता दे, कोई बात नहीं उससे बार्गेन कर लेना, 6 रुपये की मैं लाता हूँ क्योंकि मेरे को तो एक ही जगह से लेता हूँ तो मुझे वहाँ पे सही डिस्काउंट मिल जाता है। तो आप लोग ऐसे ख़रीद सकते हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रो टिप मैंने बताई है, इस तरह से आप लोग अच्छी पतंगें खरीद सकते हो। तो यार जिस टाइप से मैं आपको बता रहा था आप किस टाइप का मांजा यूज़ कर सकते हो, तो मैं कुछ मैदानी मांजा यूज़ करता हूँ, आप लोग ये मांजा यूज़ कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता NRK एक बहुत फेमस मांजा मेकर है, बेस्ट फ्रॉम बेस्ट मांजा होता है उसका, तो उनका मांजा है NRK का और JK आता है, दो आते हैं पांडा, आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो पर्सनली मैं NRK और JK यूज़ करता हूँ। ये वाले मांजे की प्राइस की बात करी जाए तो ऑलमोस्टली चाइना के मांजे से डबल प्राइस में होते हैं, लेकिन इस मांजे की क्वालिटी मैं आपको बता रहा हूँ इतनी अच्छी मांजे की क्वालिटी होती है, आप लोगों ने ऐसा मैदानी मांजा कभी यूज़ नहीं करा होगा। मैं इनडायरेक्टली कोई उनको प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको कहूँगा आप जो भी मांजा लो आप उड़ाओ मैदानी मांजा, क्योंकि उड़ाने में उससे ही मज़ा आता है। काइट फ्लाइंग जो है वो मैदानी मांजे से ही है, चाइना के मांजे से तो कोई काइट फ्लाइंग होती नहीं। अगर आप लोग अभी कहीं ग्राउंड्स में जाके देखोगे तो अभी भी मैदानी मांजा यूज़ करते हैं, और सिर्फ जो यंग जनरेशन पतंग उड़ाने के लिए आ रही है वो लोग जो है चाइना का मांजा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब तो हम लोग यही जितने हैं सब ये मैदानी मांजा यूज़ करते हैं। इसकी क्वालिटी A1 होती है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी है। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों ने, मैं फिर बोलूँगा, नहीं देखी मेरी वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वो देख सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही,
तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक किए बगैर कहीं मत जाना। यहाँ तक देख रहे हो तो यार बॉस लाइक बनता है। और अगर मेरा कंटेंट पसंद आया हो, तुम्हें यहाँ कोई भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वो जो लाल वाला बटन है, रेड वाला बटन है सब्सक्राइब, उसको दबा देना। साथ में बेल आइकन है, बेल आइकन को दबा के बेल आइकन को प्रेस कर देना। और यार एक चीज़ ये भी तो समेटना है भाई, इतना सारा फैला दिया मैंने। मेरी काइट कलेक्शन यही है, इसमें काफ़ी पुरानी पतंगें हैं, नई भी हैं, नई भी हैं, जितनी तुम्हें रखी हुई है, जिसमें टेप टेप लगा हुआ दिख रहा है, सब मेरी पुरानी रखी हुई पतंगें हैं। ये भी पुरानी रखी हुई है काफ़ी। तो यार एज ऑलवेज अपना ख्याल रखो, खुश रहो, आबाद रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो।